ये है वो बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन को यहाँ पहुंचना था लगभग 12:22 पे और ट्रेन पहुंची है 12:24 पे, लगभग टाइम पे है भाई। इम्प्रेस कर दिया उज्बेकिस्तान रेलवे ने। समरकंद पहुंच चुके हैं और आपको मैं ये ट्रेन जर्नी। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू उज्बेकिस्तान। आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में उज्बेकिस्तान ताशकंद से। और आज है मेरी ट्रेन सुबह की तकरीबन 8:00 है भाई। ताशकंद से मैं जाऊंगा समरकंद और आपको पता है आपका भाई हमेशा लेट रहा है, आज फिर एक बार से वही दोहरा दी मैंने अपनी वाली बात, लेट हो गया हूं भाई। फिर भी मैं टैक्सी यूज नहीं कर रहा, रिस्क लेंगे भाई, टूगिस मैप का यूज कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं रेलवे स्टेशन पे। अपनी बस आ गई भाई 2 नंबर। भीड़ भाई काफी। रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं भाई और ये देखो सुंदर नजारा, नीचे से नदी बह रही है। यहाँ वोकजल स्टेशन को बोलते हैं भाई, बस अड्डा हो या स्टेशन हो उसको ये वोकजल बोलते हैं। रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं भाई, वहाँ एंट्री पे आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे, डॉक्यूमेंट मतलब पासपोर्ट और टिकट और कुछ नहीं मांगेंगे। और यहाँ से है भाई एंट्री, काफी ब्यूटीफुल है भाई, सोवियत टाइम की बिल्डिंग है ना। बैग चेक होंगे। ये है वो बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, कमाल की बात है ना। इस ट्रेन का नाम है एप्रोशियप। स्टेट हमें बुलेट ट्रेन की टिकट नहीं मिली। आपको बता दूंगा आपकी भलाई के लिए, अगर आपको बुलेट ट्रेन से जाना ना तो कम से कम 10 दिन पहले टिकट बुक करो। मुझे पता नहीं था भाई और मैंने कल ही टिकट बुक की है तो मुझे ये ट्रेन मिली है। वो ट्रेन 2 घंटे में पहुंचाएगी समरकंद और ये 3 घंटे में पहुंचाएगी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर टिकट मिल गई ये बड़ी बात है। अब आप लोग पूछोगे कि ट्रेन की टिकट बुक कहाँ से करें, तो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो यहाँ स्टेशन पे आके बुक कर लो या फिर ऑनलाइन बुक कर लो। अगर 7-10 दिन पहले बुक करोगे तो सीधी ही बात है ऑनलाइन ही बुक करोगे यार। मुझे ये ट्रेन पड़ी है भाई तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 570-580 रुपए की। हाँ, और वो ट्रेन अगर मैं 5 दिन पहले बुक करता, 7 दिन पहले बुक करता तो 5.5 लाख से नीचे की थी भाई वो, क्योंकि मैंने जब चेक की आज से 5 दिन बाद की ट्रेन तो वो ट्रेन 5.5 लाख रुपए की पड़ रही थी। मुझे गलती होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसका एक्सपीरियंस करेंगे, कम से कम लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस तो मिलेगा। बुलेट ट्रेन तो बहुत कंट्री है भाई, चाइना वगैरह जो काफी एडवांस है वहां कर लेंगे। आपको लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस दूंगा और हम कंपेरिजन करेंगे इसकी इंडिया से कि कितना फर्क है, क्या सिस्टम है भाई। 33 सीट नंबर भाई अपनी ये देखो भाई ट्रेन ट्रेन अच्छी लग रही है भाई यार। एक तो भाई इनके प्लेटफॉर्म बड़े क्लीन है, आपको कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, ये देखो। और ट्रेन दिखा दूं, ट्रेन तो अंदर से इतनी क्लीन है पूछो मत, और उसके अंदर फैसिलिटी एक नॉर्मल ट्रेन के अंदर इतनी फैसिलिटी। अभी नीचे आया हूं मैं ट्रेन से क्योंकि अभी ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम है भाई, 5-7 मिनट के अंदर चलेगी। मान गए भाई उज्बेकिस्तान रेलवे अच्छा काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त। चलो आपको थोड़ा ट्रेन का लुक देता हूँ अंदर से। ये देखो ये चाय कॉफी के लिए मशीन है भाई, सुविधा है। देखो ये देखो कितनी क्लीन है, बिल्कुल साफ है, देखते जाओ आपको कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा। टिट्टी कितना अच्छा आदमी है, मैं बोला ये फिर दिखा मुझे उठा के। ओके डू, ये देखो सीढ़ी अपने आप उठ जाएंगे ऊपर और ये ऐसे फिक्स हो जाएगी। ट्रेन का टाइम 9:03 है भाई और 9:03 हो चुकी हैं और टिट्टी साहब ये देखो झंडा हाथ में ले हुए, इस झंडे को दिखाएंगे अब और फिर ट्रेन चलेगी। बड़ा अच्छा बंदा है भाई, इसको कोई परेशानी नहीं, इसकी वीडियो बना रहा हूँ, हेल्प और कर रहा है ये तो, मुझे चीज़ें दिखा रहा है रेलवे के बारे में। ये देखो भाई झंडे दिखा दिए भाई ने, पीले झंडे दिखाते हैं ये, हमारे हरी दिखाते हैं और ट्रेन चल पड़ी है भाई। ये नज़ारा देखो पीछे से, 9:04 पे चलिए भाई, 1 मिनट लेट है भाई, इसको लेट नहीं बोलूँगा मैं। ये देखो भाई पानी की बोतल दे रहे हैं सबको, एक मुझे भी थमा गया, फैसिलिटी है भाई ये फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और ये ताशकंद सिटी के कुछ आखिरी लम्हे भाई, क्या पता ज़िंदगी में दोबारा आए या नहीं आए, कुछ आता पता नहीं है, तो कुछ ही आखिरी लम्हों को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपको मैं ट्रेन के टॉयलेट दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई कोई गंदगी नहीं दिखेगी, बहुत साफ है, इधर भी साफ है, इधर आपको टिश्यू पेपर की सुविधा मिलेगी, इधर भी आपको टिश्यू पेपर की सुविधा मिलेगी, कोई गंदगी कचरा वचरा या कोई फर्श पे पानी नहीं डोल रहा भाई कहीं भी। और यह तुम्हारा भाई खड़ा है भाई, किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं आ रही भाई, और आपको ये सोप मिल जाएगा और इधर ये हैंड वॉश मिल जाएगा,
क्या चाहिए। साथ में आपको प्लग भी मिल जाएगा, अगर आपको अपनी दाढ़ी वगैरह ट्रिम करनी हो तो यहाँ प्लग में अपनी ट्रिमर लगाओ और कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ वेंटिलेशन है भाई। और क्या चाहिए आपको जनाब? एक नॉर्मल ट्रेन, एक लोकल ट्रेन, और क्या फैसिलिटी आपको चाहिए भाई? ये पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और कचरा नहीं फैलाते हैं भाई। उज़्बेक गवर्नमेंट से ज़्यादा मैं इनके नागरिकों को सराहूंगा भाई, क्योंकि ये कूड़ा कचरा नहीं फैलाते हैं, सफाई रखते हैं, तभी तो इनकी रेलवे को लोटा बांध के नहीं रखना पड़ता टॉयलेट में। सब कुछ बनता है नागरिकों से, एक देश चलता है नागरिकों से। गवर्नमेंट कितना करेगी? गवर्नमेंट तो एक बार सफाई कर देगी, दो बार कर देगी, डेली कर देगी, सुबह शाम कर देगी। अगर आप हर पाँच मिनट में कचरा फेंकोगे, अगर हर पाँच मिनट में दस मिनट में आप कूड़ा करोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? नागरिकों को करना होगा जो करना होगा। चलो हम भी अपनी इंडियन रेलवे को सुधारेंगे भाई, सीधी सी बात है भाई, तभी हमारी रेलवे सुधर सकती है, गंदगी वगैरह कम हो जाएगी। फिर ये देखो भाई, ये खेत आगे ग्रीनरी है ठीक ठाक बढ़िया, और सामने किसान लगे हुए हैं भाई, शायद आपको गोप्रो में दिख रहा होगा। ये देखो भाई, हर सीट के साथ पावर प्लग लगा रखे हैं, और आप जहाँ सिर रखोगे वहाँ कुछ भी एक रेलवे के टिश्यू पेपर हैं। ये देखो भाई, सारे डिब्बे में LCD लगाई हुई हैं, एक LCD सामने और एक वो रही, टोटल तीन है इस डिब्बे में, एक दो तीन। सीट बहुत कंफर्टेबल है भाई, एरोप्लेन वाली फीलिंग आ रही है, मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में एक नंबर की कंफर्ट है भाई सीट। और ये देखो एरोप्लेन की तरह है, ऑप्शन भी है भाई, अगली सीट को ऐसे करके, इसको ऐसे करके ऐसे खोल लो, खाने पीने का सामान यहाँ रखो और अपना गिलास यहाँ रखो, खाओ पियो आसानी से, कोई टेंशन नहीं भाई, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है भाई। और ये एक इनकी लोकल नॉर्मल ट्रेन है, कमाल है भाई, मान गए उज़्बेकिस्तान। सारी ट्रेन AC है भाई ये, पर एक प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ये है, जब ये स्टेशन पे खड़ी थी ना तब इनके AC क्लोज थे, AC नहीं चल रहे थे, जब ट्रेन चली है तभी इन्होंने AC ऑन किए हैं, और ट्रेन आराम आराम से कूल हो रही है, ठंडी हो रही है भाई। चिप्स बेचने वाला आ गया भाई ट्रेन में, चिप्स बेच रहा है, अब की बार फीलिंग आई भारतीय रेलवे वाली। ट्रेन को यहाँ पहुँचना था लगभग 12:22 पे, और ट्रेन पहुँची है 12:24 पे, लगभग टाइम पे ही है भाई, इम्प्रेस कर दिया उज़्बेकिस्तान रेलवे ने। और ये देखो कितना साफ सुथरा रेलवे ट्रैक है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, जो व्हीलचेयर वाले लोग होते हैं ना जिनसे चला नहीं जाता, उनकी व्हीलचेयर के लिए यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है भाई, अलग से ट्रैक दे रखा है सीढ़ियों पे, ऐसा मैंने सेम रशिया में भी देखा था। अच्छी बात है भाई, ये तकरीबन 310 किलोमीटर है भाई, मैंने गूगल मैप पे चेक किया था, ताशकंद से समरखंड टाइम लिया है ट्रेन ने 3:20। एक बात और है भाई, आप यहाँ स्टेशन से खाने पीने का ले सकते हो, ये देखो समरखंड नॉन नान ले सकते हो अपने देसी भाषा में। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है भाई, आपको वो नहीं मिलेगा, स्टेशन का खाना अच्छा नहीं है, नहीं वो बात भूल जाना, बिल्कुल हाइजीन है, साफ सफाई से। और अब जाएंगे स्टेशन से बाहर, ये देखो भाई आपको दिख रहा होगा, वेलकम टू समरखंड। समरखंड पहुंच चुके हैं, और आपको मैं ये ट्रेन जर्नी मस्ट रिकमेंड करूंगा, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी, पूरा लेग स्पेस था, अच्छा AC काम कर रहा था, पूरी सुविधाएं थी, और आपको क्या चाहिए? 3 घंटे ऐसे गए पता ही नहीं लगा भाई। हाँ, अपनी टिकट वाला ध्यान रखना, ऑनलाइन बुक करना 5-7 दिन पहले, तो आप बुलेट ट्रेन में भी आ सकते हो, तो मस्ट रिकमेंडेड है भाई। ये था मेरा एक्सपीरियंस ट्रेन के साथ, उज़्बेक ट्रेन के साथ। चलो अब चलते हैं, बाय बाय, स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, सिटी में पूछता हूँ।